वालेकुम। टुडे वो टॉपिक इज मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट। पेज नंबर 113 हमने देखा था कि सैटेलाइट्स की टू टाइप होती हैं, एक होती है नेचुरल सैटेलाइट और एक होते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट। अब हमने ये देखना है, और हमने ये भी पढ़ा था कि सैटेलाइट्स जो है वो ज़मीन के गिर रिवॉल्व करते हैं। तो अब हम ये देखेंगे कि उनकी जो मोशन है वो किस तरीके से होती है, यानी कि वो किस तरीके से मूवमेंट अपनी शो करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। अ सैटेलाइट रिक्वायर्स सेंट्रीपिटल फोर्स दैट कीप इट टू मूव अराउंड द अर्थ। अब एक सैटेलाइट को मूव करने के लिए जो जमीन के गिर फोर्स चाहिए होती है वो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है। वो सेंट्रीपिटल फोर्स हमने जैसे प्रीवियस अपने चैप्टर में पढ़ा था, वो फोर्स होती है जो कि ज़मीन को, जो कि किसी भी चीज़ को सर्कुलर मोशन में मूव करने के काम आती है। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो सैटेलाइट को कौन प्रोवाइड करता है, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द सैटेलाइट एंड द अर्थ प्रोवाइड द नेसेसिटी सेंट्रीपिटल फोर्स। अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो ज़मीन की ग्रेविटेशनल फोर्स सैटेलाइट को प्रोवाइड करती है। अब हम ये देखते हैं कि एक सैटेलाइट जो है वो ज़मीन के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है, तो उसको हम कंसिडर करते हैं। कंसिडर सैटेलाइट ऑफ मैस एम रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ इन एन एटीट्यूड एच इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर ओ। रेडियस आर ओ का मतलब है कि ऑर्बिटल रेडियस है ये, ठीक है, क्योंकि वो ज़मीन के गिर्द ऑर्बिट में मूव कर रहा है, तो इसलिए हम आर ओ लिखेंगे, ओ फॉर ऑर्बिट। विद ऑर्बिटल वेलोसिटी वी ओ, और वेलोसिटी जो उसकी है वो भी ऑर्बिट की वेलोसिटी है, तो उसमें भी वी ओ आएगा। द नेसेसिटी सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड इज गिवन बाय इक्वेशन। ओके, अब यहाँ पे हम लोग जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला होता है एफ इज इक्वल टू एम वी बाय आर, एम वी स्केयर बाय आर। तो हम उसके अकॉर्डिंग लिखते हैं कि एफ सी, यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज सी जो है छोटा, ये सेंट्रीपिटल फोर्स को यहाँ पर बता रहे हैं आपको, इज इक्वल टू एम जो हमारे पास सैटेलाइट का मैस है वो उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी का स्केयर बाय रेडियस। तो द फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड द सैटेलाइट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द सैटेलाइट। ओके, अब हमने ये देखा था कि ग्रेविटेशन फोर्स, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो ग्रेविटेशन फोर्स प्रोवाइड कर रही है, और हमने ये पढ़ा था कि ग्रेविटेशन फोर्स जो होती है वो इक्वल होती है बॉडी के मैस के, वेट के। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी जो है वो हमारे पास वेट ऑफ सैटेलाइट है। ये डब्ल्यू के ऊपर जो आपको एक साइन दिखाई दे रहा है, ये आपको ये शो करता है कि ये वेट ऑफ सैटेलाइट है। सो एफ सी इज इक्वल टू, अब हम एफ सी की जगह पे जो है वो डब्ल्यू भी पुट कर सकते हैं, यानी कि एम जी एच। अब एम जी एच का मतलब है कि ये सैटेलाइट जो है वो ग्रेविटेशन जो है वो वेट ऑफ सैटेलाइट है। अब हम ये देखते हैं कि एफ सी की जगह पे एम जी एच को अगर हम पुट करें, यानी कि वेट की जो वैल्यू है उसको पुट करें, तो एम जी एच इज इक्वल टू एम वी स्के वी ओ स्के बाय आर ओ, यानी कि वो फार्मूला वही रहेगा, लेकिन हम सिर्फ सेंट्रीपिटल फोर्स की जगह पे वेट की वैल्यू पुट कर देंगे। वो इसलिए कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो ग्रेविटेशन फोर्स प्रोवाइड कर रही है, ग्रेविटेशन फोर्स है वो वेट के इक्वल होती है। ओके, अब आगे हमें जो है वो ऑर्बिटल वेलोसिटी चाहिए, तो हम इसको रीअरेंज करते हैं, यानी कि वी ओ स्के एक साइड पर देखा इज इक्वल टू जी एच इंटू आर ओ। वी ओ इज इक्वल टू, अब हमें स्क्वायर को रिमूव करना है, तो आप इसका अंडर रूट लेंगे, वी ओ इज इक्वल टू अंडर रूट जी एच इंटू आर ओ। अब आर ओ जो होता है वो रेडियस प्लस हाइट के इक्वल होता है, यानी कि अब हम इसकी जगह पे जो है वो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, वी ओ इज इक्वल टू अंडर रूट जी एच बाय हम आर ओ की वैल्यू पुट कर देते हैं, यानी कि वो है हमारे पास रेडियस और हाइट। तो ये जो इक्वेशन हमारे पास आएगी, ये हमारे पास जो है वो फाइनल इक्वेशन है, और ये हमें बताती है वेलोसिटी के बारे में। इट गिव्स अस वेलोसिटी व्हिच द सैटेलाइट मस्ट पोजेसेस व्हेन लॉन्च्ड इन द ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर ओ अराउंड द अर्थ। एन अप्रोक्सीमेशन कैन बी मेड फॉर अ सैटेलाइट रिवॉल्विंग क्लोज टू द अर्थ सच दैट। अच्छा, अब वो हमें ये बता रहे हैं कि ये जो है आपके पास इक्वेशन, ये आपको बताती है कि जो आपका सैटेलाइट है वो किस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। अब हम जो है वो एक अप्रोक्सीमेशन बनाते हैं, यानी कि हम ये सपोज करते हैं कि अगर एक सैटेलाइट ज़मीन से बहुत ज़्यादा क्लोज मूव कर रहा है, यानी कि उसका डिस्टेंस जो है ज़मीन से बहुत कम है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, उसके लिए हम ये यूज़ करते हैं कि आर इज़ मच ग्रेटर दैन एच। ये जो डबल ग्रेटर दैन के साइन है, इनको कहते हैं मच ग्रेटर दैन। तो आर प्लस एच इज मच ग्रेटर दैन आर, ठीक है, तो हम इसकी जगह पे अच्छा जी एच इज मच ग्रेटर दैन जी, यानी कि जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो ज़्यादा है उसके क्लोज है, और जो उसका रेडियस है वो भी उसके ज़्यादा क्लोज है, क्योंकि वो ज़मीन से ज़्यादा क्लोज जो है वो रिवॉल्व कर रहा है, और ये हमने सपोज किया। तो हमारे पास उसकी वेलोसिटी क्या होगी, वी वी ओ इज इक्वल टू जी आर अंडर रूट। अ सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड वेरी क्लोज टू द अर्थ हैज स्पीड वी ओ नियरली 8 किलोमीटर पर सेकेंड और 29,000 km/h।
अब उसकी हमने ये सपोज जो वेलोसिटी की वैल्यू है वो भी निकाल ली कि वो हमारे पास जो है वो अगर वो ज़मीन के बहुत ज़्यादा क्लोज मूव कर रहे हैं तो उसकी जो वेलोसिटी जो है वो 8 किलोमीटर पर सेकेंड होगी या फिर 29,000 किलोमीटर पर आवर होगी। तो वो इस वेलोसिटी के साथ जो है वो आपके मूव कर रहा है। अब यहाँ पे हमारे टॉपिक और ये चैप्टर दोनों क्लोज होते हैं। आगे हम नेक्स्ट इंशाल्लाह इसके न्यूमेरिकल्स कैरी ऑन करेंगे। अगर आपको ये टॉपिक समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट में मेंशन कर सकते हैं।